الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على سن 1443 ہجری کا یوم عاشور مولا حسین کے عزاداری سے سال کی ابتدا ہوئی اور 10 دن مسلسل ہم مولا حسین ان کے گھر والوں اور ان کے اصحاب پر گریا کرتے ہوئے اور امام المتقین کی صفات کے عنوان سے مولا کی مختلف صفات کا مشاہدہ ہم نے کیا اور ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم قرآن اور حدیث سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کر سکیں۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی جو بہت اہم کڑی ہے، جس کا ذکر خود مولا حسین نے بھی عاشور کے دن کربلا کے میدان میں کیا کہ میرے جد رسول نے بھی اور میرے بابا علی نے بھی معاشرے میں ظلم و ستم کے خلاف
क़याम करते हुए माशरे की इक्तिसाद को और उसकी मईशत को खुदा के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक ढालने की कोशिश की, लेकिन ज़ालिमों को ये गवारा ना हो सका, इसलिए उन्होंने मेरे बाबा अली को भी शहीद किया और मेरे भाई हसन को भी शहीद किया। तो वो क्या इक्तिसादी सिफात थी मौला की जिससे लोग इतने बदज़न हो गए और इतना नफरत करने लगे कि मौला के इक्तिसादी निज़ाम की वजह से उनके फर्जंदों और उनके अहले बैत और उनके ख़ानदान के दुश्मन हैं। देखिए अज़ीज़ाने किरामी, मौजूदा दौर में आपको दो निज़ाम नज़र आते हैं, एक सरमायादाराना निज़ाम है, ये वो निज़ाम है जिसमें मालदार के पास, सरमायादार के पास चूँकि सरमाया है, वो जहाँ ये सरमाया लगाता है सब कुछ अपना समझना शुरू कर देता है। जो माल लगाता है वो ये समझता है कि इस माल से जो नफ़ा मिलेगा वो भी उसका सिर्फ़ और सिर्फ हकदार में, हत्ता जो मज़दूर और जो मेहनतकश उसके पास काम करने के लिए आता है ये सरमायादार उसे भी अपनी मशीनरी के पुर्जों में से एक पुर्जा समझता है। और दूसरी तरफ जो मेहनतकश होता है, जो मज़दूर होता है, उसके दिल में ये आग जलती रहती है कि ये जो सरमायादार था, ये जो मालदार था, इसके जेब में जो भी नफ़ा जा रहा है वो मेरी मेहनत के ज़रिए से जा रहा है, मेरी मजदूरी के ज़रिए से जा रहा है, उसके पेट में जो नवाला और लुकमा जा रहा है वो मेरी की हुई मेहनत की वजह से जा रहा है। इसलिए आपको नज़र आएगा कि ये सरमायादाराना निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत ख़त्म करता हुआ नज़र आए, फसाद शुरू हो जाते हैं माशरे में, फितने शुरू हो जाते हैं, मज़दूर अपनी यूनियंस बना कर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं और ये कैपिटलिज्म वाले सरमायादार वो उनकी आवाज़ को दबाना शुरू कर देते हैं। इसके मुकाबले में एक दूसरा निज़ाम आता है जिसे निज़ाम इश्तराकियत कहते हैं, सोशलिज़म कहते हैं, आप तमाम वाकिफ़ हैं, मैं ज़्यादा इसके अंदर आपकी तवज्जो को मबजूल करना नहीं चाहता, चंद अहम नुकात के मौला के इक्तिसादी निज़ाम को हम समझ सकें। सोशलिज़म का नारा जिन्होंने लगाया, इश्तराकियत का नारा जिन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स का कोई माल उसका अपना नहीं है, जो भी माल है सबके दरमियान माशरे में मुसावी मुसावी तकसीम होना चाहिए, माशरे के तमाम अफराद में तमाम माल तकसीम हो जाए, सबको मुसावी माल मिले तो माशरे में कोई फसाद ही नहीं होगा, कोई फितना ही नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम भी जो दिया गया था तजुर्बाकार अफराद की तरफ से और माहिरीन इक्तिसादियात की तरफ से, ये भी फेल हो गया क्योंकि इसकी वजह से माशरा तरक्की नहीं कर पाता। कोई शख्स मालो दौलत को ज़्यादा हासिल करने की फ़िक्र में नहीं लगता, तो जब फ़िक्र में नहीं लगता तो तरक्की भी नहीं हो पाती, माशरे में इनकम और इकोनॉमी बढ़ नहीं पाती, ये सिस्टम भी फेल हो गया। लेकिन मौला का जो निज़ाम है, जो दीन इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम है, जहाँ कैपिटलिज़म के अंदर सब कुछ एक फ़र्द का हुआ करता था, जमात का कुछ नहीं होता था, और जहाँ सोशलिज़म के अंदर सब कुछ जमात का होता था फ़र्द का कुछ नहीं होता था, वहाँ दीन इस्लाम ने आकर कहा कि असली वारिस माल का, असली मालिक माल का, हकीकी मालिक तमाम अमवाल का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और तुम सब के सब खुदा के बंदे हो, रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह वो है कि जो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और एक और जगह इरशाद फरमाया कि तुम अता करो अपने माल में से वो माल के जो अल्लाह का माल है, मालुल्लाह है। तो हर माल अल्लाह ताला ने नस्बत दी अपनी तरफ कि हकीकी तौर पर और असली तौर पर तमाम माल खुदावंद मुताल का है, लेकिन उसके बाद भी कहा कि कहीं पर भी फर्दी और इज्तमाही कोताही नहीं है,
बाज़ जगहों पर इंसान अगर माल को हासिल करता है अपनी मेहनत के ज़रिए से, जैसे कस्बो कार के ज़रिए से, कमाई के ज़रिए से, तो ये उसका माल है, उसके साथ मुख्तस हो जाता है। या बाज़ दफ़ा उसे मेहनत से नहीं भी मिलता, मीरास में उसे माल मिलता है, वसीयत के ज़रिए उसे मिलता है, हिबा के ज़रिए से, तोहफे के ज़रिए से मिलता है, तो मौला फरमाते हैं कि हाँ ये भी इंसान का अपना माल है। लेकिन इस फ़र्द को अहमियत देने के साथ साथ खुदा ने इज्तिमा को, माशरे को दूर नहीं रखा, जमात को दूर नहीं रखा, फ़र्द को जमात के साथ मिलाते हुए हुक्म दिया कि इस फ़र्द के माल में कुछ माली वाजिबात हैं जो इंसान पर वाजिब है कि वो अपने इज्तिमा में, अपने माशरे में खर्च करे। तो इस तरीके से वो दोनों खामियाँ जो सरमायादाराना निज़ाम में और इश्तराकियत के निज़ाम में थी, कि सरमायादाराना निज़ाम के अंदर फितने और फसाद बरपा होते थे, मज़दूर कहता था कि ये माल जो सरमायादार के पास है वो मेरी मेहनत की वजह से है, सरमायादार ये कहता था कि ये जो माल आया है वो मेरे अपने सरमाए की कशमकश और उसका करश्मा है कि जिसकी वजह से ये मुझे मिला है। इस्लाम ने इन दोनों को ख़त्म कर दिया, और ये आपको अल्लाह के रसूल के बाद किसी और ज़माने में, तीन ज़मानों में नज़र नहीं आता है। ये जो इक्तिसादी निज़ाम इस्लाम का नज़र आता है वो मेरे और आपके पहले मौला वाका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कि मौला ने अपनी ज़िंदगी में इस बात को बावर करवाया और यकीन के साथ इस पर अमल पैरा हुए कि दीन इस्लाम का निज़ाम ही वो निज़ाम है जो एतदाल के साथ मुतदिल होते हुए ना इफराद का शिकार है ना तफवीद का शिकार है। इसलिए कि तशय्यों के नज़दीक एक फ़र्क है दूसरे फ़िरकों के मुकाबले में। तशय्यों कोई भी चीज़ के बारे में आपको समझ में ना आए कि ये हलाल है या हराम, तो तशय्यों के पास अब जाते हैं, तो तशय्यों इसीलिए अब तक बाकी है और हर नए आने वाले फ़िक्ही मसले का जवाब इसलिए तशय्यों के पास है कि इनके यहाँ एक कुल्ली कानून मौजूद है, कुल्लु शैइन हलाल हत्ता तअलमु अन्नहु हराम। हर चीज़ इंसान के लिए हलाल है उस वक्त तक कि जब तक इंसान को कुरान और हदीस के अंदर जस्तजू करने के बाद, मुज्तहिद को, मराजे को जस्तजू करने के बाद उसके हराम होने का फतवा ना मिले, हराम होने का हुक्म ना मिले, तो हर वो चीज़ हलाल हुआ करती है। ये हुक्म इतनी ज़्यादा वो सख्त रखता है कि जो दूसरों के यहाँ नहीं है। दूसरों के यहाँ सिगरेट आएगी तो सिगरेट के मसले में कुरान और हदीस में ढूँढेंगे कि क्या ये सिगरेट हलाल है कि नहीं। पंखा चलता है, ये पंखा नया नया आया तो वो चेक करेंगे कि ये पंखे का हुक्म इस्लाम ने बताया है ये हलाल है कि नहीं। लेकिन तशय्यों के अंदर ऐसा नहीं है। तशय्यों ये नहीं ढूंढा करती है कि ये चीज़ हलाल है या नहीं, चीज़ के बारे में तशय्यों ये ढूंढती है कि ये हराम है कि नहीं। चूँकि हराम चंद महदूद हैं, जब आपने उन महदूद हराम चीज़ों को जान लिया तो उसके अलावा जो चीज़ है मासूम ने कुल्ली कानून दे दिया, कुल्लु शैइन हलाल हत्ता तअलम अन्नहु हराम। हर चीज़ तुम्हारे लिए हलाल है उस वक्त तक जब तक तुम्हें हराम होने का हुक्म ना मिल जाए। तो इस्लाम ने माशी निज़ाम में मौला ने चंद हराम चीज़ें बयान कर दी, कहा कि कुरान में है अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, कि खुदा ने खरीदो फरोख्त को तो हलाल किया है लेकिन सूद को हराम किया है। चूँकि सूद ऐसी चीज़ है जिससे माशी इस्तेहसाल होता है, इंसान कर्ज़ ले लेता है लेकिन जब कर्ज़ वापस करने की बारी आती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उसका कर्ज़ सूद समेत वापस नहीं हो पाता। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, दूसरा हुक्म कुरान का मौला ने बयान किया कि देखो किसी का भी माल बातिल तरीके से धोखा देकर ना खाओ, रिश्वत देकर ना खाओ। आपने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए ताकि एक वकील को ज़्यादा पैसे दे दिए ताकि वो उस जरिए से किसी और का माल आपकी मिल्कियत में डाल दे, इस्लाम ने इसको मना किया। मौला ने अपने ज़माने में चोरी और डाका दही इन सब चीज़ को कुरान के ज़रिए से साबित किया
कि कुरान ये कहता है कि इंसान कोई भी काम जो बातिल तरीके से हो उस काम के ज़रिए से माल को हासिल नहीं कर सकता। हत्ता इस्लाम के उन उसूलों को कि जो मौला से पहले बाज़ जगहों पर घुला दिए गए थे, मौला ने आकर उन्हें राइज किया। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अज़लाम, ये जुआ सट्टा और ऐसी चीज़ें जो माशरे के अंदर बिला व मुआवजा इंसान किसी और के माल को हथिया लेता है, मौला ने आकर कहा कुरान के हुक्म के मुताबिक ये हराम है। हराम चीज़ें मौला ने अपने माशरे में बता दी और कहा कि इसके अलावा जो तरीक़ा है इन हराम तरीक़ों के अलावा अगर है तो वो हलाल है, माशरा तरक्की करेगा। अगर इंसान के पास ज़रिया माश के मुख्तलिफ़ राहें हों, मुख्तलिफ़ तरीक़े हों, तो ख़ुद ब खुद लाजमतन मलजूमन माशरा तरक्की करता है। मौला ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कवायद और कवानीन बताए कि कौन कौन सी चीज़ें माशरे के अंदर मुसलमानों के लिए हराम खुदा ने करार दिए। जब वो मुसलमानों के जहन में आ जाएंगी तिजारत के कौन से मामलात हैं, हत्ता छठे इमाम की हदीस मिलती है कि मौला ने तिजारत के उसूलों को बताने के लिए एक एक दुकानदार के पास जाते थे और जाकर ये कहते थे क्या तूने अपनी दुकान खोलने से पहले तिजारत के फिकही मसाइल को जान लिया है। तो जो मौला का शिया हो वो मौला के इक्तिसादी निज़ाम को समझते हुए, मौला की इक्तिसादी सिफात को समझते हुए सबसे पहले ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरबियत करे कि कम अज़ कम जहाँ वो बाहर के ममालिक की इकोनॉमी सिस्टम पढ़ाता है, जहाँ बच्चों को वो तालीमात देता है जिसमें दुनिया के दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम की मालूमात होती है, वहाँ अपने बच्चों को मौला के बताए हुए इकोनॉमिक सिस्टम की भी तालीम दें। मौला मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बयान करते हुए नज़र आते हैं कि अगर बैतुल माल में कोई माल पड़ा है और रात हो जाती है तो ये अली राज़ी नहीं है कि रात गुजर जाए और बैतुल माल में माल पड़ा है। मौला के पास एक मर्तबा एक माल रात के अंधेरे में आता है और कहा जाता है कि ये बैतुल माल में डाला जाए, मौला कहते हैं इसे अभी ही तकसीम कर दो। लोग कहते हैं अभी तो रात की बहुत तारीकी हो गई है, आप अभी इसे कैसे तकसीम करेंगे, आप कल सुबह तक इंतज़ार कीजिए। मौला जवाब देते हैं कि क्या तुझे मालूम है कि मैं कल सुबह तक ज़िंदा रहूँगा। बेशक इंसान की मौत का इल्म सिर्फ या तो खुदा को है या उसे है जिसे खुद खुदा इल्म दे दे। यही वजह है कि जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुख्सत होने लगे तो रुख्सत से पहले बता दिया कि देखो इज़राइल मेरे दीदार के लिए आए। चूँकि खुदा की जानिब से अगर किसी को इत्तला दी जाती है तो उसे मौत का इल्म होता है। मौला को मालूम था कि किस रमज़ान को मौला की शहादत वाक़ हुई, लेकिन फिर भी सामने वाले को समझाने के लिए कि बैतुल माल में अगर कोई माल पड़ा है और रात गुजर जाती है और उस वक्त का हाकिम सुबह को मर जाता है तो क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा कि उस रात जिस रात ये माल मिला था तू सो गया था और अगले दिन तेरी मौत वाक़ हो गई, तूने उस माल को तकसीम क्यों ना किया। मौला उसी लम्हे चिरागों को रोशन करते हैं, माल को तमाम मुसलमानों के दरमियान तकसीम करते हैं और फिर ये जुमला कहते हैं कि अली की हुकूमत वो हुकूमत है जिसमें जान इंसान तो इंसान जानवर की ग़ज़ा की जिम्मेदारी भी अली के ज़िम्मे पर है। कोई ऐसा जानवर नहीं है कि जिसके बारे में अली को मालूम ना हो कि उसने रात का खाना खाया है कि नहीं खाया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये मौला की सिफत थी। इसके अलावा मौला के निज़ाम में इक्तिसादी निज़ाम में ज़कात का सिस्टम नज़र आता है, जहाँ बैतुल माल को मौला बेहतरीन तरीके से तकसीम करते हुए नज़र आते हैं वहाँ ज़कात के सिस्टम को भी उरूज पर पहुँचाते हैं और कहते हैं कि जो मालदार अफराद हैं खुदा ने उनको माल इसलिए दिया है ताकि उनका इम्तिहान लें। वो ये ना समझें कि उनके पास सलाहियत ज़्यादा थी
उनके पास सहूलियात ज़्यादा थीं, उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, इसलिए ये उनका अपना करिश्मा है तो ये सारा माल उनका है। मौला ने फरमाया कुरान कहता है कि वफ़ी अमवालहिम हक़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि इन अफराद के अमवाल में हक रखा है खुदा ने सवाल करने वालों के लिए और उन अफराद के लिए कि जो महरूम है। मुझे याद है कि जब कुम में आयतुल्ला जवादी आमली के तफसीर के दर्स में मैं शिरकत करता था तो सिर्फ इस आयत पर वफ़ी अमवालहिम हक़ुन लिस्साइल वल महरूम आगा ने सिर्फ इस दर्स इस आयत की तफसीर के अंदर मौला के 50 ऐसे वाक़यात और ऐसे बयानात बयान किए जो ख़ुद तहवीर में भी और कालिब तहवीर में भी आ गए, जिसमें मौला सिर्फ इस आयत को बयान करने के बाद मालदार अफराद से ये कहा करते थे कि खुदा ने तुम्हें माल इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि इस माल के अंदर से तुम अपने माल में से कितना माल खुदा की राह में वाजिबात को तकसीम करने में खर्च करते हो। और एक और हुक्म जो मौला अपने इक्तिसादी निज़ाम में देते हुए नज़र आते हैं वो ये कि इंसान अपने माल में इसराफ ना करे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। कि मौला एक दफ़ा देखते हैं कि एक शख्स आता है और आकर मौला के सामने ये जुमला कहता है कि मौला मैंने अपने तमाम माल को उन कामों में ख़र्च कर दिया जो बिला ज़रूरत थे। तो मौला उसके लिए जुमला कहते हैं वही हका, खुदा लानत करता है उस शख्स पर कि जो माल को बिला ज़रूरत कामों के अंदर ख़र्च कर दिया करे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि खुदा इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो वक्त भी आता है कि मौला के सबसे बड़े फर्जंद को शहीद किया जाता है और इसी शिद्दत नफरत और नफरत की शिद्दत की वजह से वो वक्त भी पहुँचता है कि जब मौला के दूसरे फर्जंद पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नऊज़ु बिल्लाह ये बागी हो गए। और ये जो बगावत का इल्ज़ाम लगता है मौला हुसैन इसीलिए इस इल्ज़ाम को रोकते हुए ये जुमला कहते हैं कि ऐ लोगों, ये हुसैन किसी खलीफा की बगावत के लिए नहीं आया, बल्कि ये हुसैन निकला है तो इसलिए निकला है कि दीन मोहम्मदी ख़त्म हो रहा है, दीन मोहम्मदी तबाही के दहाने पर है, खुदा की तौहीद बाकी नहीं नज़र आती, इसलिए ये हुसैन इस्लाह उम्मत जद के लिए निकलता हुआ नज़र आता है, अमर बिलमाफ़ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकलता हुआ नज़र आता है। और जब ये काफ़िला पहुँचता है कर्बला में तो मौला ये जुमला कहते हुए नज़र आते हैं, मुझे मालूम है कि इस राह में मैं शहीद कर दिया जाऊँगा, लेकिन इन शायर ने उनके अल्फाज को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया। उसमें से एक शायर कहता है इन काना दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुजीनी, अगर रसूल का दीन बच नहीं सकता सिवाय ये कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल कर दिया जाए तो आओ तलवारों आओ हुसैन इब्ने अली के टुकड़े टुकड़े कर दो। हुसैन राजी हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ लेकिन दीन मोहम्मदी बाकी रह जाए। बस ये आज़ादारी और ये अज़ाए मज़लूम हुसैन इसी खातिर है। आपने ये जुमला उलमा का सुना होगा कि तशय्यो जो बाकी है, दीन इस्लाम जो बाकी है, दीन मोहम्मदी जो बाकी है, वो हुसैन इब्ने अली के खून और आज़ादारी की बदौलत है। बस अजीज़ों आपने गिविया किया इन 10 दिन, आपने मुख्तलिफ बनु हाशिम के नौजवानों पर गिविया किया, आज उस पर गिविया की बात है कि जो इन नौजवानों के लाशें को अपने हाथों में उठा कर लाता था। आज़ादारों अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ रोज़ों और मुख्तलिफ जगहों पर आज़ादारी सैयदुश्शोहदा पढ़ा करता था, सैयदुश्शोहदा की मज़लूमियत को पढ़ा करता था,
एक रात मुझे ख्वाब में जनाब सैदा नज़र आती हैं और वो ये जुमला कहती हुई नज़र आती हैं कि ए मजलिसी, तुमने हुसैन के तमाम मसाइब को पढ़ा लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता है जब भी हुसैन की मुसीबत को पढ़ा करो तो हुसैन की रुख्सत को ज़रूर पढ़ा करो कि हुसैन अपने घर वालों से कैसे रुख्सत हुए। आज़ादारों, आप सोचिए कि जब इंसान किसी से रुख्सत होता है तो अगर बाप अपने बेटों से या अपनी बेटियों से रुख्सत हो तो ये बेटियां और ये भाई या ये बेटे अपने बाप को कैसे रुख्सत करें ये कहते हुए कि हाँ बाबा आपको मौत की इजाज़त है, हाँ बाबा आप जाइए आप मर जाइए, ये कैसे हो सकता है। इंसान फितरी तौर पर राज़ी नहीं होगा कि वो अपने बाप को या अपने भाई को या बेटा अपने बाप को ये कहे कि आप जाइए, हाँ आपको मौत के लिए रुख्सत है, मौत के लिए इजाज़त है। बस आज़ादारों, जब हुसैन ने देखा ना अली अकबर भी शहीद हो गए, नन्ना अली असगर भी शहीद हो गया, तो हुसैन कर्बला के मैदान में खड़े होते हैं, मक्तल के जुमले हैं, हुसैन नज़रा इला यमीनेन व शिमालेन, हुसैन एक दफ़ा दाएं तरफ देखते हैं बाएं तरफ देखते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं ऐना ओन, ऐना मोहम्मद, ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिब, ऐना कासिम, ऐना अली अकबर, ऐना ज़ुहैर इब्ने क़ैन, ऐना अली असगर, कद बका अबू का वहीदन फरीदा, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, ऐ मेरे बेटे अली असगर, तुम्हारा बाप कर्बला के मैदान कारज़ार में तन्हा रह गया। एक दफ़ा खेमे में तशरीफ लाते हैं और सैदानियों से अलविदा कहते हैं, कहते हैं ऐ बहन ज़ैनब, बस अब रुख्सत का वक्त करीब है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि सबर का दामन हाथ से ना छोड़ना, नमाज शब में मुझे याद रखना। ज़ैनब से कहते ऐ ज़ैनब, मेरी तो जिंदगी का इख्तिताम है लेकिन तेरी मुसीबतों की इब्तिदा है। ऐ ज़ैनब, अब ये इस्लाम तेरे हवाले, मैंने अपने खून से इस्लाम को बचाया, इसको इंतहा तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। बहन से रुख्सत होते हैं, बेटी से रुख्सत होते हैं, जब रुख्सत करके सैयद सज्जाद के पास आते हैं, सैयद सज्जाद से कहते हैं ऐ मेरे बेटे सज्जाद, बस अब अलविदा का वक्त है, मैं मैदान कर्बला की तरफ जाता हूँ। सैयद सज्जाद कमर को सीधी करके कहते ऐना अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ गए, ऐना अली अकबर, मेरे भैया अली अकबर कहाँ गए। हुसैन गिरिए के साथ कहते वलदी कुतिला फी कर्बला, सबके सब कर्बला में शहीद हो गए और अब मर्दों में या तुम बाकी हो या मैं बाकी हो। सैयद सज्जाद आस्तीनों को चढ़ाकर खड़े होते मौला जब तक मैं बाकी हूँ आप मैदान में कैसे जाएंगे। मौला कहते बेटा इमामत की जिम्मेदारी अब तेरे सर पर है, तमाम मीवा से इमामत। सैयद सज्जाद को देकर हुसैन खेमे से बाहर निकलना चाहते हैं, एक दफ़ा ज़ैनब खेमे के पर्दे को पकड़कर आवाज देती है या खिया यबना रसूल अल्लाह इलैया इलैया, ऐ मेरे भाई ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे आप मेरे पास तशरीफ लाइए, मुझे अपनी माँ की वसीयत याद आ गई। एक दफ़ा जनाब हुसैन इमाम अली मकाम बीबी ज़ैनब के पास आते और कहते वो क्या वसीयत थी। ज़ैनब कहती है कि मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, सैयदा ने वसीयत
वसीयत की थी कि जब मेरा बेटा हुसैन मैदान की तरफ मक्तल की तरफ जाने लगे तो मेरी तरफ से हुसैन की गर्दन पर बोसा दे देना और कहना कि ये वो गर्दन है जिसे पुश्ते गर्दन से शकी तेरा जरबुक। अजादारों में कैसे अर्ज करूँ, बस हुसैन ज़ैनब से रुख्सत होते हैं, खेमे से बाहर निकलते हैं। जब खेमे से बाहर निकलते हैं एक दफ़ा ये जुमला कहते हैं, ए अशकिया क्या तुम जानते नहीं हो मन अना मैं कौन हूँ। अशकिया कहते हैं, हाँ हम जानते हैं आप अल्लाह के रसूल के फर्जंद हैं, फिर भी हम आपको उस वक्त तक छोड़ेंगे नहीं जब तक आपके बदन के टुकड़े टुकड़े ना कहते। बस हुसैन इन जुमलों को सुनते हैं, घोड़े पर जुलजना पर सवार होते हैं, जुलजना पर जैसे ही सवार होते हैं लगामे फरस को थामते हैं, जुलजना एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन पूछते हैं, ऐ जुलजना मेरे अहले बैत ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे जुदा हो गए, अब मेरी बारी है, मैं अपने घर वालों को छोड़ कर जाऊं, क्या तू राजी नहीं है। घोड़ा जवाब नहीं देता, जुलजना जवाब नहीं देता। हुसैन एक जुमला कहते हैं, ऐ जुलजना उम्मते मोहम्मदी ने तो मुझसे वफादारी ना की, क्या तू भी बेवफाई करना चाहता है। ये जुमला सुनता है जुलजना एक दफा इशारे से अपने पैरों की तरफ इशारा करता है, हुसैन घोड़े के पैरों की तरफ निगाह करते देखते हैं एक छोटी बच्ची है जो घोड़े के पैरों को पकड़ते हुए ये जुमला कहती है, ऐ जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। हुसैन जुलजना से उतरते प्यादा होने के बाद बच्ची को गले से लगाते और कहते, ऐ बच्ची बस अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका जो वादा हुसैन ने तेरे जद से किया था। बच्ची घोड़े के पैरों को छोड़ती है, हुसैन सवार होते हैं और पुश्ते जुलजना पर सवार होकर ये जुमला कहते हैं, ऐ यजीदियों ऐ सिपाही यजीद क्या तू जानते नहीं हो कि ये हुसैन किसका लाल है, आज देखना हुसैन की जंग देखो, ये उस हुसैन की जंग है कि जिस हुसैन ने अपने जवान करियल बेटे को कुर्बान किया, उस हुसैन की जंग देखो जिस ने अपने नन्हे अली असगर को कुर्बान किया, उस हुसैन की जंग देखो जिसने अपने भतीजे को कुर्बान किया। बस हुसैन मैदान करबला में जाते हैं एक एक करके एक एक शकी को जहन्नुम वासिल करते हैं, आवाज कुदरत आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन सदा को सुनते हैं, ऐ नफ्स मुतमईन बस खुदा भी तुझसे राजी, तू भी थे अपने खुदा से राजी, मेरी तरफ पलटा। हुसैन तलवार को नियाम में रखते हैं, कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेमों की तरफ थोड़ी फुर्सत के लिए आते हैं, बस जब खेमे के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि हुसैन और तिलाए ज़ैनबिया के दरमियान 70 कदम की दूरी होती है, हुसैन एक दफा जमीन पर बैठते हैं, अभी सांस ही लेते हैं कि जालिम का एक पत्थर आता है हुसैन की पेशानी पर लग जाता है, खून का फुवारा जारी होता है। हुसैन अपने रुमाल से खून को साफ करते हैं, खून नहीं रुकता, अपने हाथों से खून को लेकर खिजाब पर मल देते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमो खुदा देख रहा है। बस हुसैन जब ये जुमला कहते हैं किसी शकी का तीर आता है हुसैन के सीने में पेवस्त होता है, हुसैन कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का। अब जो गिरते हैं तो कोई आता है नेजा मारता है, कोई आता है तलवार से वार करता है। छठे इमाम कहते हैं कि मेरे जद को इस तरीके से शहीद किया
दिया गया कि जिसके पास जो था वो मारता था, कोई आता था पत्थर मारता था, कोई आता था तलवार मारता था। मैं कहूँगा कि हुसैन ये तो आपके लिए शायद काबिले कबूल हो, लेकिन ज़ैनब क्या कहे? वो ज़ैनब जो तिलाए ज़ैनबिया पर बैठकर हुसैन के इस मंज़र को देख रही है। एक शकी आता है हुसैन के सीने पर सवार होता है। ज़ैनब को वो वक्त याद आ जाता है जब हुसैन रुख्सत हो रहे थे, तो रुख्सत होने से पहले कहा था, ऐ बहन ज़ैनब इतनी भी सौबिन अनीक, ऐ ज़ैनब मुझे फटा पुराना कपड़ा दे दो। ज़ैनब ने पूछा था कि भैया आपको फटा पुराना कपड़ा क्यों चाहिए, तो हुसैन ने जवाब दिया था, ऐ बहन ये जालिम ऐसे शकी है कि मुझे मालूम है कि जब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो मुझसे एक एक चीज को गस्प कर लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो मेरा लिबास छीना जाए। बस ज़ैनब देखती है शिमर हुसैन के सीने पर सवार है और हुसैन से गुफ्तगू कर रहा है। कहती है, ऐ शिमर तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं ये किसके सदर पर बैठा है, किसके सीने पर बैठा है? ये वो हुसैन है जिनके एहतराम में अल्लाह के रसूल नमाज को तूलानी कर देते थे। बस ज़ैनब देखती है कि शिमर पुश्ते गर्दन से हुसैन पर वार करना चाहता है। हुसैन सजदे में है, पुश्ते गर्दन से ये वार करना चाहता है। ज़ैनब का दिल बैठता जाता है, वहाँ शिमर हुसैन के सीने पर बैठता है। यहाँ ज़ैनब का दिल बैठता है, वहाँ हुसैन की गर्दन पर तेरा ज़र्बे लगती है। यहाँ ज़ैनब के दिल पर तेरा ज़र्बे लगती है। ज़ैनब कहती है, भैया वहाँ खा वाह हुसैना, वाह खा वाह हुसैना। बस हुसैन में अभी वमक बाकी होती है कि जालिम कहते हैं, कद कुतिल हुसैन, हुसैन कत्ल हो गए, जाओ खेमे पे हमला कर दो, खयामे हुसैनी पर हमला कर दो। बस हुसैन को ये आवाज़ आती है, कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, किस में इतनी जरूरत है कि वो जाए और खयामे हुसैनी पर हमला करे। अशकिया हमला नहीं करती, हुसैन की इस आवाज को सुनकर परेशान होती है कि अभी तो हुसैन जिंदा है। मैं कहूंगा ज़ैनब, हुसैन इस जुमले को सुनकर अशकिया को दूर कर देते कि कोई अहले बैत पर हमला ना करे, बस कुछ ही देर रुक जाइए, शाम गरीबा होगी, सकीना को तमाचे लगे, ज़ैनब की विदा छिने। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिम व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लबिन कबीर मातम हुसैन।